सितारगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे आवास निर्माण की शिलापट पर अपना नाम अंकित होने को लेकर नाराजगी जताई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री आवास योजना का शिलान्यास काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर में किया गया था, जिसका लाभ शहरी भूमिहीनों को मिलना चाहिए था, लेकिन योजना के तहत बनाए जाने वाले आवासों का निर्माण सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर अकरौली गांव में किया जा रहा है। मामला उकरौली गांव का है, जहां निर्माण हुए आवासों पर लगे शिलापट पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ साथ नगर पालिका अध्यक्ष सितारगंज हरीश दुबे का नाम भी अंकित है, जिस पर हरीश दुबे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शहरी योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाना शहरवासियों के साथ धोखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाना शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों ने सरकार को भ्रमित किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि मैं केवल नगर पालिका क्षेत्र का निर्वाचित अध्यक्ष हूँ, न ही ग्रामीण क्षेत्र का। ऐसे में यदि कोई अनहोनी या कोई अन्य जांच योजना में कभी भविष्य में हुई तो मैं दोषी पाया जाऊंगा, जबकि योजना के अंतर्गत बनाए गए आवासों की जानकारी मुझे है ही नहीं। वहीं हरीश दुबे ने मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि उपरोक्त आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले आवास का निर्माण नगर पालिका क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर उकरौली गांव में किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की योजना जो हमारे दी गई है, जिसका शिलान्यास कल हुआ है, इसका निर्माण जो हो रहा है ये यहां से 15 किलोमीटर दूर उकरौली एक हमारे यहां गांव है, और वो उकरौली गांव है अभी हमारा वर्षा काल में जब बाढ़ की स्थिति बनी तो सबसे ज्यादा प्रभावित पूरी विधानसभा के अंदर हमारा उकरौली गांव रहा, वहां के लोग रहे, ऐसा वो क्षेत्र है, वहां पर किया जा रहा है।